हाथ जोड़ी अर्जी करूं और कहे सुशीला नारी, आज कृष्ण बतायो आप को तो पिया बालापन को यार, अब बालापन को यार किसा कहीं भूल गए गिरधारी, और जावो शरण पिया उनके कंगाली पड़ी पिछाड़ी। अरे अर्जी करे रे सुशीला नारी, पिया कंगाली पड़ी गे पिछाड़ी, जवानी गई जी बुढ़ापो आयो, मारा के वासुद्वार का जावो, पिया थारा भाई गिरधर बतायो। अरे जीतरे सुशीला नारी, पिया कंगाली पड़ी पिछाड़ी, जवाने गए जी बुढ़ापो आयो, मारा के वासुद्वार का जावो, पिया थारो भाई लो गिरधर बतायो। करे सुशीला नारी, पिया कंगाली पड़ी है पिछारी, जवानी गए जे बुढ़ापो आयो, मारा के वासुद्वार का जावो, वो पिया थारो भाई लो गिरधर बतायो। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक सुदामा नामक पुरी थी, उसमें एक सुदामा ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था, उसकी औरत का नाम सुशीला था। सुशीला एक रोज अपने पति से बहुत व्याकुल होकर कह रही है कि हे भर्तार, मैंने ऐसे सुना है कि आपका मित्र श्री कृष्ण है, आप उनकी शरण में जाओ
और वो आपको शरण में लेंगे, तो सुदामा उनसे क्या कह रहा है? अरे सुदामा बोलो सुन प्यारी, पुरानी है वासु यारी, भूल गो होए गो गिरधारी, समय का बाजे बाजा। अरे मैं हूँ कतई फकीर द्वारका को बन गो राजा, मैं हूँ तीन गरीब अनाथ, वाहे तीन लोग को नाथ, वा द्वारापुर बनो नरेश, मारा बाबा जी को भेस भेस नहीं खाती, बड़ी बड़ी का भाए ला कोई नहीं बिगड़ी को साथी, वो निजाऊरी हो प्यारी हारी का ढिंग में लिख रही फकीरी मारा करे मान में। अरे सुदामा बोलो सुन प्यारी, पुरानी है वासु यारी, भूल गो गो गिरधारी, समय का बाजे बाजा। अरे मैं हूँ कतई फकीर द्वारका को बन गो राजा, मैं हूँ तीन गरीब अनाथ, वाहे तीन लोग को नाथ, वा द्वारापुर बनो नरेश, मारो बाबा जी को भेस भेस नहीं खाती, बड़ी बड़ी का भाएला कोई नहीं बिगड़ी को साथी, भूली जाऊरी हो प्यारी हारी का ढिंग में लिख रही फकीरी मारा करे मान में, भूली जाऊरी हो प्यारी हारी का ढिंग में लिख रही फकीरी मारा करे। सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, वास्तव में मेरा मित्री था वो, लेकिन बहुत पुराने जमाने की बात है और आजकल वो राजा बन गए हैं और मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए सब कोई मित्र हितेशी रिश्तेदार जो भी होते हैं वो भली भली के साथी हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे समय की है सब बलिहारी, मती उलटो भेकावे, एरी खिदा द्वार का पुरी नारे क्यों रही पई धूल फुटावे, मेरो दुर्बल भयो शरीर बसन नहीं तन पे बनो फकीर, वो दीन दयाल भक्त प्रतिपाल नंद के लाल खजा शर्माओ, और तुई लगा अंदाज श्याम को भेंट कहा ले जाऊ, मत भेजे द्वार का नार तो समय जाऊ, मत भेजे द्वार का नार। अरे समय की है सब बलिघारी, मती उलटो भेकावे, एरे खिदा द्वार क्या पुरी नार क्यों रही पई झूल कुटावे, मेरो दुर्बल भयो शरीर बसन नहीं तन पे बनो फकीर, वदीन दयाल भक्त प्रतिपाल नंद के लाल खना शर्माऊ, और तुई लगा अंदाज श्याम को भेंट कहा ले जाऊ, मत भेजे द्वार का नार तो समय जाऊ, मत भेजे द्वार का नार तो समय जाऊ, मत हाँ। सुदामा जी कहने लगे कि हे प्रिय, वास्तव में मेरा मित्र है लेकिन समय समय की बलिहारी है, और मुझको उनके पास में मत भेजे, क्यों कि मेरा शरीर बिल्कुल दुर्बल है और शरीर पे कपड़े पहनने को नहीं है, और अगर जाऊं भी तो उनको भेंट कहा ले जाऊं, इसलिए प्यारी उनके पास जाते हुए मुझको सुकच लगती है। मत भेजे द्वार का नार तो समय जाऊ, मत भेजे द्वार का नार तो समय जाऊ। अरे सुशीला बोली मत घबराओ, धीरज धर लो पाती, पड़ोसन के घर आई सुशीला सती, अर्ज भय ना सुन लीजो, बिगड़ी में जरा सो साथ बहन मुकुटे दीजो, बिगड़ी में जरा सो साथ बहन मुकुटे दीजो। अरे सुशीला बोली
बोली मत घबराओ धीरज धर लो पति, पड़ोसन के घर आई सुशीला सती अर्ज बहना सुन लीजो, बिगड़ी में जरा सो साथ बहने मुकुंदे दीजो, बिगड़ी में जरा सो साथ बहने मुकुंदे दीजो। अरे तेरा भी सेवास बहना मैंने किया, बहना मैंने किया, मोहन से मिलवा जावे मेरो पिया कछु मोंडा सुखे दे, बिगड़ी में लगा दे साथ कछु मुकू दे दे, बिगड़ी में लगा दे साथ कछु बिगड़ी में लगा दे साथ कछु। अरे तेरा भी सेवा भेना मैंने किया, भेना मैंने किया, अरे मोहन से मिलवा जावे मेरो पिया कछु मोंडा सुख दे, बिगड़ी में लगा दे साथ कछु मुकु दे दे, बिगड़ी में लगा दे साथ कछु मुकु दे दे। हाँ सजनो, सुशीला कहने लगी कि महाराज आप इस बात की कोई भी परवाह मत करो। ऐसे कहकर सुशीला सती पड़ोसन के पास आई और कहने लगी कि हे बहन, आज मेरी बिगड़ी हुई बात में कछु सहारा दे दे। कैसे कि मेरा पति भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ न कुछ साथ दे। अरे आ गई दया पड़ोसन बोली रे मांद मांद मुस्का रही है, एक पावे चावल ले जा झट गाठ बांध सौंपा दई है, आ गई दया पड़ोसन बोली मांद मांद मुस्का रही है, एक पावे चावल ले जा झट अरे आ गई दया पड़ोसन बोली रे मांद मांद मुस्का रही है, एक पावे चावल ले जा डटे गाठ बांध सौंपा दई है, आ गई दया पड़ोसन बोली मांद मांद मुस्का रही है, एक पावे चावल ले अरे सुशीला सुरताई ध्याई पति के गोड़ा आई, अरे यलो भेट श्याम की सैया गाठ बांध सौंपाई, सीधा पुरी द्वार क्या जा जो निकारी जो बेगा आजो, सुन भरतार श्याम करतार तुम्हारो यार खबर कर लेगो, मत घबरावे पिया तुम्हारी नाव पार कर देगो, सब लोग घर को हाल बता जो बाका चरणन में गिर जा जो, आपा पड़ा एक ही साथ मेरी दिशा बिगड़ गई नाथ, अच्छा कह दीजो मांगा सुखाई हो सारो थोड़ो तो दे दीजो, आजी हो कह दीजो बल में भरे तार से, आजी हो कह दीजो बल में भरे तार से, आजी हो अरे सुशीला सुनताई ध्याई पति के गोड़ा आई, यालो भेट श्याम की सैया घाट बांध सौंपाई, सीधा पुरी द्वार क्या जा जो निकारी जो बेगा आज, सुन भरतार श्याम करतार तुम्हारो यार खबर हर लेगो, मत घबराओ पिया तुम्हारी नाव पार कर देगो, सब लोग घर को हाल बता जो बाका चरणन में गिर जा जो, आपा पड़ा एक ही साथ मेरी दिशा बिगड़ गई नाथ, अच्छा कह दीजो मांगा सुख हो इशारो थोड़ो तो दे दीजो, मारा राम राम कह दीजो निकाल जा जो भले मारो, मारा राम राम कह दीजो निकाल जा जो भले मारा राम राम कह दीजो निकाल जा जो भले। हाँ प्यारे सजनों, ऐसी बात सुनकर पड़ोसन ने कही कि हे बहन, तू क्या चीज लेने के लिए आई है, तेरे पति देव को मिलने के लिए मैं दूंगी। पड़ोसन ने एक पाव भर चावल दिए
और सुशीला उनको लेकर आई और कहने लगी कि हे महाराज, ये भगवान की भेंट लो और आप जाइए और भगवान से मेरा भी राम राम कह देना। पुटड़िया चलो सुदामा मन की मन में पछतायो, भूख प्यास लग रही किनारा को जाने भोजन खायो, और सास को द्वार क्या कैसे चलो बचा दिल घबरायो, पछतायो घबरायो मन में रोयो, ले श्याम सुंदर को नाम बनी में फूटी तानर सोयो, ले श्याम सुंदर को नाम बनी में फूटी तानर सोयो, श्याम सुंदर को नाम बनी में फूटी तानर सोयो। तेरे बांध पुटड़िया चलो सुदामा मन की मन में घबरायो, भूख प्यास लग रही किंदाड़ा को जाने भोजन खायो, सार कोश द्वार क्या कैसे चलो बचा दिल घबरायो, पछतायो घबरायो मन में रोयो, ले श्याम सुंदर को नाम बनी में फूटी तानर सोयो, ले श्याम सुंदर को नाम बनी में फूटी तानर सोयो, ले श्याम सुंदर को नाम बनी में फूटी तानर सोयो। तो सुशीला की बात को मानकर और सुदामा जी चल दिए हैं। अब रास्ते में चला नहीं जाए, क्यों कि वहां से 750 कोस द्वार क्या पड़ती थी। सुदामा ने मन में विचार किया कि अपन कभी भी नहीं पहुंच सकते, जंगल में चलते चलते थक गया तो भगवान का नाम लेकर एक पेड़ की छाया के नीचे सो जाता है। अरे श्याम भक्तन के हितकारी, जान गए मोहर गिरधारी, सुदामा मारो बेवारी रे मोसो मिलवा कोरी आए रे दीन रे दो दूत पठाए, सुदामा कोली नो अधर उठाए पूरी में पहुंचायो, खुले गई रबी प्रकी नींद जानो ये दिन उगे आयो, खुले गई रबी प्रकी भक्तन के हितकारी, जान गए मोहन गिरधारी, सुदामा मारो देवारी रे मोसो मिलवा कोरी आए रे दीन रे दो दूत पठाए, सुदामा को लीनो अधर उठाए पूरी में पहुंचायो, भूले गई रवी प्रकीनी दे जानो ये दिन उगे आयो, भूले गई रवी प्रकीनी दे जानो ये दिन उगे आयो। इधर तो क्या होता है कि सुदामा ब्राह्मण जंगल में सो जाता है, उधर भगवान कृष्ण को मालूम पड़ता है कि मेरा मित्र आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। भगवान कृष्ण ने दो दूत भेजे और उनसे कहा कि सुदामा जी को उठाकर द्वारका में ले आओ। दूत चलते हैं और सुदामा जी को सोते हुए को ही पूरी द्वारका में पहुंचा देते हैं। अरे खुले गई रबी प्रके नींद जानो ये दिन उगे आयो, खुले गई रबी प्रके नींद जानो ये दिन उगे आयो, खुले गई रबी प्रके नींद जानो ये दिन उगे आयो। तो चौक उठो लखी द्वारका, आज तो चौक उठो लखी द्वारका, और मन ही मन पछताई, अब मैं सोयो बियाबान में तो यहाँ लायो कौन उठाए, तो लायो कौन उठाए कन्हैया, आज लायो कौन उठाए कन्हैया, शेर कौन सो आयो, अरे विप्र सुदामा अब द्वार पाल से भैया घुट घुट के बतड़ायो। अरे कौन दिशा से आयो रे भिकारी, कौन दिशा से तू तो आयो रे भिका, तेरो काहे रे नाम कैद कौन सा गाँव, यहाँ पे कैसे आयो कैसे आया,
आयो रे भिखारी तेरो काहे रे नाम है देखान सगा मैं यहाँ पे कैसे आयो कैसे आयो कौन दिशा से तू तो आयो रे भिखारी कौन दिशा से तू तो आयो रे भिखारी तेरो काहे रे नाम है देखान सगा मैं यहाँ पे कैसे आयो कैसे आयो कौन दिशा से तू तो आयो रे भिखारी कौन दिशा से तू तो आयो रे भिखारी तेरो काहे रे नाम है देखान सगा मैं यहाँ पे कैसे आयो कैसे आयो कहे सुदामा श्याम सोना रे से हमारो काम है हमारो काम है श्याम सुनारे से हमारो काम है अरे बाला पल को यार मेरो ध्वज सुदामा नाम यार मेरो ध्वज सुदामा नाम है बाला पल पाओ यार मेरो ध्वज सुदामा नाम है अरे खबर पठा दे बस मिला दे खबर पठा दे बस मिला दे खबर पठा दे बस मिला दे खबर पठा दे बस मित्र से मिलवायो लक्ष्मी को मारे तार मारो बाला बन को यार लक्ष्मी को मारे तार मेरो बाला बन को यार लक्ष्मी को मारे तार मारो बाला बन को यार लक्ष्मी को मारे तार मेरो बाला बन को यार बापू पहुंचा दे समाचार बजे ढाडो तेरे द्वार दिले बुलायो जेसु आयो कौन दिशा से तू तो आयो रे भिखारी कौन दिशा से तू तो आयो रे भिखारी तेरो काहे रे नाम है दे कौन सा गाम यहाँ पे कैसे आया कैसे आया। हाँ प्रिय सजनों द्वारपाल सुदामा जी से पूछने लगे कि हे भिखारी तू ये बता तेरा कौन सा गांव है और यहाँ पर कैसे आया है। सुदामा जी ने कहा कि भैया यहाँ पर एक मेरा मित्र रहता है जिसका नाम कृष्ण है, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ और वो मेरे बचपन के मित्र हैं। हाथी द्वार पाल कुवाई के माऊ झाको भाई क्यों तेरे मोत मुंड पे छाई खासू आयो अरे नुकू झाको यार कृष्ण को यही भाई लो पायो या के तीन हाथ को नंगा जे के नहीं बदन पे जंगा उठ रही भास बदन कम लायो या जाने के ना को लायो ना कह लूट बोल झूठ अगाड़ी फूट श्याम सुन लेगा और तीन हाथ का नंगा तेरे धक्का और पड़ेगा भाई भाई रे सकत भाई भाई रे कसे भाई लो बनायो घने श्याम को भाई भाई कसे भाई भाई कसे भाई लो बनायो घने श्याम को भाई भाई कसे भाई भाई कसे भाई लो बनायो घने श्याम को। अरे हाथी द्वार पाल को आई आके माऊ झाको भाई क्यों तेरे मौत मुंड पर छाई खासू आया अरे न्यूकू झाको यार कृष्ण को यही भाई लो पायो या के तीन हाथ को नंगा जे के नहीं बदन पे जंगा उड़ रही बास बदन कम लायो या जाने के ना को लायो ना कह लूट बोल रे झूठ अगाड़ी फूट श्याम सुन लेगा तीन हाथ का नंगा तेरे धक्का और पड़ेगा भाई भाई रे सकसे भाई भाई रे सकसे भाई लो बतायो घने श्याम को भाई 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 रे सकसे भाई लो बतायो घने।
बात को सुनकर द्वारपाल को हंसी आई और कहने लगा कि भाई देखो, भगवान को मित्र यही पाया है और कोई संसार में मित्र नहीं है। इस ऐसा कहने लगा, रे भिखारी यहाँ से चले जा, तुझको जाने कितने दिन तो नहाए हो गए, और अगर राजा सुन लेंगे कृष्ण भगवान तो तेरे धक्का और दिवाएंगे। अरे भूलोगे बता मेरे भैया, द्वारका की जावेगी तूने सिर गैल, हतल करे बावड़ो बाने बामने का सामने दीगे किसने का मैल, सीधो ही चले जा घाटो द्वार पे मिलेगो तो तू द्वारका की पूरी करा देगो सैल, सीधो ही चले जा घाटो द्वार पे मिलेगो गो। अरे भूलो गे बता मेरे भैया, द्वारका की जावेगी कुन सी गे, हतन करे बावड़ो बने बामने का सामने ही दिखे किसन का मैं, सुदोई चली जा ठाडो द्वार पे मिलेगो तुकु द्वारका की पूरी करा देगो सैल, सुदोई चली जा ठाडो द्वार पे मिलेगो। हाँ साहब, सुदामा जी कहने लगे कि हे भैया, मैं रास्ता नहीं जानता हूँ और मुझे ये बता दे कि द्वारका का रास्ता कौन सा है। द्वारपाल कहने लगा, रहे कि ब्राह्मण हाथन कर क्यों पागल हो रहा है, यही सामने द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के मकान है, सीधो ही चले जा। सुने चमे सुनारे के ढिंगे जायो हाजी हो, अरे महाराज द्वारे पे मित्र तुम्हारो आयो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, चल दियो रे बात सुने चमे सुनारे के ढिंगे जायो हाजी हो, महाराज द्वारे पे मित्र तुम्हारो आयो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, अरे द्वारे पाल चल दियो रे बात सुन श्याम सुंदर के ढिंगे जायो आजी हो, महाराज द्वारे पे मित्र तुम्हारो आयो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो। आप प्रिय सजनों, द्वारपाल बात को सुनकर भगवान के पास गए और कहने लगे कि हे महाराज, द्वार पे आपका मित्र आया है और जाति से ब्राह्मण बतलाया और आपका मित्र बताया नाम उसका सुदामा। अरे द्वार पाल चल दियो रे बात सुन श्याम सुंदर के ढिंगे जायो हाजी हो, जी महाराज द्वार पे मित्र तुम्हारो आयो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, अरे जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो। अरे जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, जाति से ब्राह्मण नाम सुदामा बतायो, अरे नाम जब सुनो सुदामा को
प्रश्न मन में घर आयो, एरे करीज पल की देर के नंगे पैर द्वार पे आयो। देखी जैसा रुक्मणी नाच सुदामा की बरली ने बात, जाने कित को दिन उगया तेरो मुश्किल दर्शन पायो। मेरे यार कहे सरदार सुना संसार क्या घबरायो, क्यों इतना दुख पायो, मिलबा पहला क्यों नहीं आयो। दीन दयाल भक्त प्रतिपाल नंद के लाल कहियो बजायो, करीन पाल की देर मित्र को कंधा पे बैठायो। बोली आयो रे सुदामा को महलन में, आंसू बजाए हरि के नैनन में। ए आयो रे सुदामा को महलन में, आंसू बजाया हरि के नैनन में। जब सुनो सुदामा को कृष्ण मन में घर आयो, तेरे करीन पल की देर के नंगे पैर द्वार पे आयो। देखी दशा रुक्मणी नाथ सुदामा की बरली ने बात, जाने कित को दिन उगयो तेरो मुश्किल दर्शन पायो। मेरे यार कहे करतार सुना समाचार क्या घबरायो, और क्यों इतना दुख पायो, मिलबा पहला क्यों नहीं आयो। दीन दयाल भक्त प्रतिपाल नंद के लाल कहियो बजायो, करीन पल की देर मित्र को कंधा पे बैठायो। बोली आयो रे सुदामा को महलन में, आंसू बजाए हरि के नैनन में। हाँ प्रिय सजनाओ, द्वारपाल की बात सुनकर भगवान नंगे पैर आए और भगवान ने आकर मित्र की बात भर ली और कहा कि हे मित्र, आज तेरे बहुत दिन में मुझे दर्शन दिए हैं। ऐसे कहकर और नेत्रों में प्रेम जल भराए और सुदामा जी को अपने कंधे पे उठाकर और अपने महल में ले गए। सिंहासन बिछवायो जे पे भाए लो बैठायो, देखी दिशा श्याम घबरायो। अजर बिहारी पर खिलकी भर भर पूछे ये क्या हो गई दिशा तुम्हारी। मेरे यार बहुत दुख पायो, पैदल कशा गेल में आयो, गल्ला पया गेल में भाटा ठोकर लगी टूट गा काटा। दातन सूखे जागीरधारी कर रही हवा रुक्मणी नारी, फिर तुझको स्नान कराए वसन फहराए सुनो चित लाए। दादा भाई राजी खुशी बचा तो है ने घर मेरी भौजा, मेरे यार मेरी भाभी का कह दे समतार, यार मेरी भाभी का कह दे समतार। अरे कमू तो सिंहासन बिछवायो जे पे भाए ला बैठायो, देखी दिशा श्याम घबरायो। अजय बिहारी पर हिलकी भर भर पूछे ये क्या हो गई दशा तुम्हारी। मेरे यार बहुत दुख पायो, पैदल कचा गेल में आयो, गल्ला पड़ा गेल में भाटा ठोकर लगी टूट गा काटा। दातन सूखे जागीरधारी कर रही हवा रुक्मणी नारी, फिर तुझको स्नान कराए बसन फेराए सुनो चितलाए। दादा भाई राजी खुशी बचा तो है घर मेरी भौजा, मेरे यार मेरी भाभी का कहते समतार, मेरे यार मेरी भाभी का कहते समतार। अरे मोकू याद करे कि ना घर मेरी भौजाई, मोकू याद करे करे कि ना घर मेरी भौजाई, मोकु याद करे कि ना घर मेरी भौजाई। अरे मन की बात बता दे भाभी, कैसो बात पठाई मेरी, यार मेरी भाभी का कह दे समतार, यार मेरी
क्या किया, भगवान ने ऊंचा सिंहासन बिछा दिया और उस पर सुदामा जी को बिठा दिया। और सुदामा जी नंगे पैर थे, जिनके पैरों में लंबे लंबे कांटे बूट गए। भगवान ने क्या किया कि सुदामा जी के पैरों में से अपने दांतों से कांटा निकाला और रुक्मणी जी ने उनकी हवा की। और भगवान हंसकर कहने लगे कि भैया रे ये बता कि मेरी भाभी ने मुझको क्या सौगात भेजी है, वो मुझे दे, और मेरी भाभी मुझको याद करती है कि नहीं। अरे सुके तारिया सुदामा चावले गाठे लगी रे दुबे काल गायो मोहन गिर धारी मंद मंद मुसे मंद मंद मुसे गायो सुदामा चावले गाठे लगी रे दुबे काल मांदे मुझे का। अरे सुके गयो सुदा माता वाले काठ लाई रे दुबे का गाये मोहन गिरधारी मांदे मांदे मुझे का मांदे मांदे मुझे का। अरे सुखी तारिया सुदा माता लाहिरे दुबे का गायो मोहन गिरधारी मन मान मुस्का मन मान मुस्का। अरे दे दे रे सुदामा भैया नाटे मती तारी काख में या गांठड़ी से काई लटके। दे दे रे सुदामा भैया नाटे मती रे धारी गाठड़ी से काई लटके। तेरे सुदामा भैया नाटे मत अरे धारी काख में या गाठड़ी से काई लटके। तेरे सुदामा भैया नाटे मत धारी काख में या गाठड़ी से काई लटके। तेरे सुदामा भैया नाटे मत अरे भाभी की सौगात भैया दे दे मारे हाथ अपो बापो गाणो ई मारो मने भटके। भाभी की सौगात भाया दे दे मारे हाथ आखो बापो गाणो ई मारो मने भटके। भाभी की सौगात भाया दे दे मारे हाथ अरे बोले ने यार कछु मोंडा सूरे खुशे काल ही गाठे हा बोला सू बोले ने यार कछु मोंडा सूरे खुशे काल ही अरे झटको मार गांठ कुटकाई गदगद के बाल यो कनाई वो को याद पहल की आई दादा भाई। और तू बद बन को घाटिया में झूठ लगी भी नाई तेरी तेल गई ना पहली या बिकता जे सो जेली तू हर दम राखे है बात कर ले यार पुरानी बात सोच ले मन में। एक दिन दिया भेद गुरु ने लकड़ी ले बाबन में कहो हो जंगल को काम मा हो गई सुबह सुश्याम भूख लग आई मैंने खिला चरा चबाया जब तू नो भाई भाई मोकू भारी पूजा बड़ी अरे हो गई सांझ जोर की वर्षा आनी चढ़ी रे भाई मोकू भारी पूजा बड़ी रे हो गई सांझ जोर की वर्षा आनी चढ़ी रे भाई। अरे झटको मार गांठ कुटकाई बसंत के बाल जो कनाई याद पहल की आई दादा भाई। अरे तू बचपन को घाती या मैं झूठ रती भी नाई तेरी तेल गई ना पहली या बिपता जेली सो जेली तू हर दम राखे हे घात कर ले याद पुरानी बात सोच ले मन में। एक दिन दिया भेद गुरु ने लकड़ी दे बाबन में कर लो हो जंगल को काम मा हो गई सुबह सुचाम भूख लग आई मैंने खिला चरा चबाला जब तू नो भाई भाई मोको भारी खुजा बड़ी अरे हो गई साल जोर की बसा आंधी चढ़ी भाई मोको भारी खुजा बड़ी हो गई साल जोर की बसा आंधी चढ़ी। हाँ साहब सुदामा जी से भगवान कहने लगे कि हे भाई साहब तू शुरू से ही बेईमान है
तुझको वो किस्सा याद है कि नहीं कि एक दफा गुरु जी ने अपन को लकड़ी लेने के लिए भेजे थे और साथ में चने भेजे थे कि बेटा जब भूख लगे जब खा लेना। मैं पेड़ पर चढ़ गया ऊपर और तू नीचे से उनको चबा गया। तेरे मैं चढ़ गयो पेड़ के धीरज धार लकड़िया काट रहो करण करण थर दात बजा में जानो चढ़ा चबाए रियो मेरे की काय खाए सुदामा जब तेने या जवाब दियो काबा काय दियो धमासो नुक जाक में चल रहा चौमासो दात बजे जाड़ा के मारा काबा काय दियो कासो ना छोड़ो तेने एक भी चानो। अरे मैंने दे दियो श्राप दलजरी जब सू बैठो नहीं छोड़ो तेने एक भी चानो। तेरे मैं चढ़ रहो पेड़ पे धीरज धार लकड़िया काट रहो करण करण थर दात बजा में जानो चढ़ा चबा रियो मेले की काय खाए सुदामा जब तेने या जवाब दियो काबा काय दियो धमासो नुक झाक में चल रहे चौमासो दात बजे झाड़ा के मारा काबा काय दियो कासो ना छूटो तेने एक भी छाड़ो। अरे मैंने दे दियो श्राम रात्रि जब सुबह नहीं छूटो तेने एक भी छाड़ो। अरे मैंने दे दियो श्राम रात्रि जब सुबह नहीं छूटो तेने एक भी छाड़ो। अरे मैंने दे दियो श्राम रात्रि जब सुबह तीन लोक के नाथ अबे और चावल रही चबाई। अरे भैया तेरी अरे भेट को रे मोपे स्वादन परे नो जाए तो दो मुट्ठी खाए जबी। अरे घस घस श्री ब्रजनाथ अज तीजी जब खावन लगे तो रुक्मणी पकड़ो हाथ। क्या कह रहे हैं रुक्मणी जी कि हे भगवान आप ये क्या कर रहे हो मेरे बात समझ नहीं आ रही है। भगवान बोले कि कहो प्रिय तुम्हारी क्या बात समझ नहीं आ रही है। तो रुक्मणी जी अब बोली है मेरे सैया पड़ो पैया हाँ सुन लो जी बल में हजारी। अरे दो मुठी चावल खाया क्यों गए पिया मत मारे बना दियो बन गए आप भिखारी। आप सुन ला जी वाला गया जा रे आदि दो मुझे चावल खाया तो कहीं पिया मत मारे आप।
कतु दिन डटे वहां जग ज्ञानी होवे नई नई मेहमानी आ गई याद पीप ने ठानी आज्ञा पाऊं और कर दे पिता श्याम सुंदर अब मैं मेरे घर जाऊं क्या गल्ला दिन होगा भाई नाले बाट तेरी भौजाई मैं क्या मजा उड़ाऊं यार गांव का जाने का समाचार भारी सौगन रियो ले जावे मन में चोरे तन की आवे सुन गिरधारी है कई रामबाज जोपड़ी डॉडी पर हमारी बसिया सो मारी छाती को भागे अरे थारी भाभी एक लिपो बन को लगे बसिया मारी छाती को भागे थारी भाभी एक लिपो बन को लगे बसिया मारी छाती को भागे अरे थारी भाभी एक लिपो बन को लगे कतु दिन डटे वहां जग ज्ञानी होवे नई नई मेहमानी आ गई याद पिपर ने ठाली आज्ञा पाऊं जी कर दे विदा श्याम सुंदर अब मैं मेरे घर जाऊं ना गल्ला दिन होगा भाई नाले बाट तेरी भौजाई मैं ना मजा उड़ाऊं यार गांव का जाने का समाचार तारी सौगन रियो ले जावे मल में छोरे तन की आवे सुन गिरधारी डोडी बड़े हमारी बसियाई सुमारी छाती को भागे अरे थारी भाभी एक को मन को लगे बसियाई सुमारी छाती को भागे अरे थारी भाभी एक को मन को लगे मते धावे राजो मोकु भूल मते जाजो मिले बाको के नाले उबो दुआजो राजो मोको भूल मते जाजो मिले बापू की नाले उबो दुआजो सारे गेले बतेला जाई सीधो सांत चलो जाजो मते गावे राजो मोको भूल मते जाजो मिले बापू की नाले उबो दुआजो सुदामा चल दीनो बागने चल दीना बाहिने नासली वो सुदामा चल दीना हाँ प्रिय सजनों एक रोज सुदामा जी बोले कि हे मित्र अब मुझे काफी दिन हो गए हैं अब मैं मेरे गांव जाना चाहता हूँ क्यों कि मैं तो यहाँ तेरे पास आनंद करता हूँ और न मालूम बच्चे कितने दुख पाते होंगे तो भगवान ने हाथ पसार कर कहा कि हे मित्र सीधा संत चले जा और मुझको भूल मत जाना और फिर दोबारा मिलने के लिए आना सुदामा जी सोच रहे हैं वो सुदामा चल दीना बाहिने ना से ने वो सुदामा चल दीना बाहिने फकीर कछु नहीं देना मेरा फूटा ताग दी वो सुदामा चल दीना बाहिने नाथ नीर वो सुदामा चल दीना बाहिने अरे
सुदामा मन की मन पछताई बापे गेल चलो नहीं जा अब नहीं पेश अपनी खायम टाकी हो गई भारी। अरे मैं तो पहला ही जानो पण पड़गी रांड पिछाड़ी जब लो उल्टा दिन आ जावे भाई ला दुश्मन बन जावे माता पिता भ्रात सुत नाती ऐसा बनी बनी का साथी खाया साथ संकोच पेड़ा ला गया सीत माच भट पेड़ा यूं ही आया ढेलो लगो न हाथ गाठ को आकर भरम गमायो मैं तो हूँ खेर पहला सुबह के मांगा जाता दी गए गले श्याम नंगो मैं तो हूँ तेरे पहला तुभ की मांगा हो तुभ जाता दी गए गले श्याम नंगो। अरे सुदामा मन की मन पसाय बापे गेल चलो नहीं जा अब नहीं पेश अपनी खाय मता की हो गई भारी। तेरे मैं तो पहला ही जानो पड़ पड़ की रांड पिछाड़ी जब लो उल्टा दिन आ जावे भाई ला दुश्मन बन जावे माता पिता भ्रात सुत नाती है सब बनी बनी का साथी काया साथ सुकोष्ट पेड़ा लाया सीत मात बट बेड़ा यूं ही आया ढेलो लगो न हाथ गाठ को आकर भरम गमायो मैं तो हूँ खैर पहला सुबह के मांगा ओ जाता दी गए घने श्याम नंगो मैं तो मैं तो हूँ खैर पहला सुबह के मांगा वो सुबह जाता दी गए घने श्याम नंगो। हाँ प्रिय दोस्तों, सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, मैं यहाँ पर आकर वैसे ही परेशान हुआ और मैं तो इस बात को पहले ही जानता था कि वो क्या निहाल करने वाला है, लेकिन रान ने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ भेजकर उल्टी मेरी इज्जत कराव करवाई है। और मैं ये भी सोचता हूँ, खैर कोई बात नहीं है, मैं तो खैर जन्म से ही भगवान ने ही भिखारी बना दिया, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि भगवान शायद मुझसे भी ज्यादा भिखारी है। तेरे कर कर गौर सुदामा मन में पूरी अपनी में आयो माँ कंचन का मेल देख कर विप्र सुदामा चकरायो दीखे लई चुरेट मटाने नाखून ने फंदो पायो या पर ले हो गई भारी खा गई झोपड़ी वा मारी न्याकाई रामबाज बना सोना का मेल अचारी खाको गयो द्वार क्या भारी भागी अरे हाथल में तू और गाट की बामणी गई रे खाको गयो द्वार क्या भारी भागी रे हाथल में तू और गाट की बामणी गई रे खाको गयो द्वार क्या भारी भागी रे हाथल में तू और गाट की बामणी गई गौर सुदामा मन में पूरी अपनी में आयो माँ कंचन का मेल देख कर विप्र सुदामा चकरायो दीखे लई चुरेट मटाने नाखून ने फंदो पायो या पर ले हो गई भारी खा गई झोपड़ी वा मारी न्याकाई रामबाद बना सोना का मेल अटारी खाको गयो द्वार क्या भारी भागी अरे हाथन में तू और गाट की बामणी गई रे खाको गयो द्वार क्या भारी भागी हाथल में तू और गाट की बामणी गई हाँ। प्रिय सज्जनों, सुदामा जी ऐसे विचार करते करते अपनी पुरी में आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है पुरी में देखते हैं कि साल कंचन के महल खड़े हुए हैं और झोपड़ी का कहीं भी निशान नहीं, और जो सुशीला ब्राह्मणी थी उसका लक्ष्मी जैसा रूप सुंदर उसको देखकर और सुदामा जी सोचने लगे कि हे भगवान, मैं उल्टा जाकर पछताया और न जाने यहाँ पर किस राजा ने आकर मकान बना लिए और जाने से क्या फायदा हुआ और मेरे ब्राह्मण को और कोई ले गया।
सुदामा मंदिर देख डरे, 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 खात गई रे मेरी बूढ़ी बूढ़ी गैया, खात गई रे मेरी, हाँ खात गई रे मेरी बूढ़ी बूढ़ी गैया, खात गई रे मेरी, हाँ खात गई मेरी बूढ़ी बूढ़ी गैया, हिरनी नजर पड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, हाँ खात गई मेरी टूटी झोंपड़ी, खात गई मेरी टूटी झोंपड़ी, खात गई रे मेरी टूटी झोंपड़ी, खात गई रे मेरी टूटी झोंपड़ी, हाँ खात गई मेरी टूटी झोंपड़ी, मंदिर नजर पड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा ने जब नीलों पसारी, नारी बैठी चित्तर सारी, आओ आओ बलम हजारी बोली नारे रे, सब विपत भजिए भरे तार, तुम्हारी सुजली ने कर तार, पीर हर लई है सुदे मजल मोहन लाए लई है, गोदी पूरे का पे कृपा तार दई है। प्रिय सजनों, ये सुंदर सुंदर कथाएं और सुंदर सुंदर भजनों की कैसेट यू की कैसेट कंपनी से ही प्राप्त कर सकते हैं। असली कैसेट मिलने का एकमात्र स्थान यू की कैसेट कंपनी दिल्ली, कवि पंडित दुर्गालाल, गायक मोहन सिंह राजपूत व हीरालाल मीना, ग्राम बाड़ा राजपुर जिला सवाई माधोपुर के माध्यम से ही सुन रहे हैं। कथा जैसे ऋषि पाराशर वे जाट जाटनी और द्रौपदी चीरहरण वे कृष्ण सुदामा चरित्र इन्हीं के माध्यम से सुना जा रहा है। सुदे मदन मोहन ने लई है, दुर्गा पे कृपा कर दई है, सुदे मदन मोहन ने लई है, दुर्गा पे कृपा कर दई है। अरे सुदामा ने जब लिंगा पसारी, नारी बेटी जितर तारी, आओ आओ बलम हजारी बोली नारे रे, सब विपत मिटी भर तार, तुम्हारी सुजली में कर तार, पीर हर लई है सुदे मदल मोहन लाए लई है, अरे दुर्गा पे कृपा कर दई है, सुदे माने जब निगा पतारी, नारी बेटी चित्तर तार, आओ आओ बलम हजारी बोली नारे रे, सब विपत मिटी भर तार, तुम्हारी सुजली ने कर तार, तीर हर लई है सुदे मदन मोहन ने लई है, अरे दुर्गा पे कृपा कर लई है, हाँ। प्रिय सजनों, असली कैसेट मिलने का एकमात्र स्थान यूकी कंपनी, यूकी कैसेट कंपनी दिल्ली। सुदे मदन मोहन ने लई है, अरे दुर्गा पे कृपा कर दई है, सुदे मदन मोहन ने लई है, दुर्गा पे कृपा कर दई है, मदन मोहन ने लई है, दुर्गा पे कृपा कर दई है।